एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन वह किसान अपने खेतों की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक गड्ढे में से आवाज आती है। अरे ये कैसी आवाज है? लगता है कोई कुत्ते का बच्चा है जो मुसीबत में है। मुझे इसे बचाना होगा, नहीं तो ये मर जाएगा। फिर वह गड्ढे में झांक कर देखता है तो उसे वहाँ एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा दिखाई देता है। वह उसे देखकर दंग रह जाता है। उसका रंग नीला होता है। ये तो कोई कुत्ते का बच्चा लगता है, लेकिन ये तो नीले रंग का है। मैंने तो इससे पहले कभी भी नीले रंग का कुत्ता नहीं देखा। इसे घर ले चलता हूँ, सुमन तो इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। फिर वह किसान उस बच्चे को निकालता है और अपने साथ लेकर घर की ओर चल देता है। अरे सुमन, जल्दी बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तभी उसकी पत्नी बाहर आती है और कुत्ते के बच्चे को किसान के हाथ में देखकर चौंक जाती है। हाय, कितना प्यारा है, ये तो नीले रंग का है। अजी, आपको कहाँ से मिला? क्या मैं इसे अपने साथ रख सकती हूँ? मुझे बचपन से एक कुत्ते के बच्चे को पालने का बहुत शौक था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इसे तुम्हारे लिए ही तो लाया हूँ। लेकिन ये आपको मिला कहाँ से? मैं खेत की तरफ जा रहा था, तभी अचानक गड्ढे से इसके रोने की आवाज आई। मैंने झांक कर देखा तो मुझे ये उसमें पड़ा हुआ मिला। ये जरूर भूखा होगा, तुम इसे कुछ खाने को दे दो। इतना बोलकर किसान वहाँ से चला जाता है। फिर सुमन उसकी खूब देखभाल करती है। वह दिन भर उसके साथ खेलता कूदता है। सुमन भी उसे पाकर बहुत खुश थी। वह कुत्ता पूरे गांव में आकर्षण का केंद्र था। वह जब भी गांव में घूमने निकलता, सारे गांव वालों की नजर उसी पर टिक जाती थी, क्योंकि किसी ने भी नीले रंग का कुत्ता पहले अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था। अरे हरिया, देख तो, ये उसी किसान का पिल्ला है। तूने कभी नीले रंग का कुत्ता देखा है क्या? नहीं भाई, मैंने तो पहली बार ऐसा कुत्ता देखा है। लेकिन ये इस किसान को मिला कहाँ से? इतना अनोखा कुत्ता खरीदने की हैसियत तो इस किसान की है नहीं। अरे भाई, इससे तो ये किसी गड्ढे में पड़ा हुआ मिला था। मुझे तो लगता है जरूर ही ये कोई जादुई कुत्ता है। तुम्हें क्या लगता है बाजार में इसकी क्या कीमत होगी? भाई ये तो नायाब चीज है, ये तो अनमोल होगा। इसके हमें मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। भाई, हर नायाब चीज पर तो सिर्फ हमारा ही अधिकार है। देर किस बात की, आज रात को ही इसे किसान के घर से चुरा लेंगे। रात होने पर किसान और उसकी पत्नी घर में सो रहे होते हैं। तभी लल्लन और हरिया किसान के घर में घुस जाते हैं और नीलू को बहलाने फुसलाने लगते हैं। ले ले बेटा, बिस्कुट खा ले, ले 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 ले, आजा आजा। वह झट से उसे बोरे में कैद कर लेते हैं और वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं और भागकर अपने घर आ जाते हैं। हरिया भाई, एक काम तो पूरा हो गया, बस अब इसे शहर जाकर किसी को बेचना बाकी है। शुभ काम में देरी किस बात की, हम कल सुबह होते ही इसे शहर जाकर किसी को बेच आएंगे। अगले दिन सुबह होने पर वे दोनों नीलू को बोरे में डालते हैं और उसे बेचने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक सेठ मिलता है। उसे उस बोरे में से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। अरे भाई रुको रुको, इस बोरे में क्या भर कर ले जा रहे हो? भाई ये एक जादुई कुत्ता है, ऐसा कुत्ता पूरी दुनिया में केवल एक ही है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, जरा मुझे भी तो दिखाओ। वह सेठ नीलू को देखकर चौंक जाता है। तुम्हें इसके लिए 100 सोने की मुद्राएं देनी होंगी। ठीक है, मुझे मंजूर है, लो ये लो तुम्हारी 100 मुद्राएं, आज से ये कुत्ता मेरा हुआ। वहीं दूसरी तरफ नीलू को घर में ना पाकर सुमन और किसान परेशान हो जाते हैं। सुमन का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। नीलू तुम कहाँ चले गए, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? वापस आ जाओ ना नीलू। अजी, मेरे नीलू को कहीं से भी ढूंढ कर लाइए। जब तक वो वापस नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगी। ठीक है ठीक है, तुम रोना बंद करो, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। फिर किसान गांव में लोगों से नीलू के बारे में पूछता है।
अरे भाई, मैंने तुम्हारे कुत्ते को देखा था। वो लल्लन और हरिया तुम्हारे घर से बोरे में किसी को भरकर ले जा रहे थे। वो अवश्य ही तुम्हारा कुत्ता होगा। फिर किसान भागता हुआ लल्लन के घर जाता है। लल्लन, मुझे पता चल गया है, तुम ही ने मेरे नीलू को चुराया है। उसे अभी के अभी वापस लौटा दो, नहीं तो मुखिया से कहकर तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। अरे हरिया भाई, इसे कैसे पता चल गया? मुझे लगता है किसी ने हमें उसे चुराते हुए देख लिया होगा। मुझे अभी के अभी मेरा कुत्ता वापस करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। भाई, तुम्हारे कुत्ते को तो हमने 100 मुद्राओं में बेच दिया। अब तुम चाहो तो सारी मुद्राएं रख लो और हमें छोड़ दो। नहीं नहीं, मुझे मेरा कुत्ता ही चाहिए। तुम्हारे पास कल सुबह तक का वक्त है। कैसे भी करके उस व्यापारी को ढूंढो और मुझे मेरा कुत्ता वापस ला कर दो, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलकर किसान वहाँ से चला जाता है। अरे मर गए रे, अब क्या करें? ये तो थानेदार की धमकी देकर गया है। लल्लन भाई, मुझे जेल नहीं जाना, कुछ करो ना। अरे अब क्या होगा, चलो उस सेठ को ढूंढते हैं, उसे उसके सारे पैसे लौटा कर उस कुत्ते को वापस ले लेंगे। वे दोनों सेठ की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन बहुत देर तक ढूंढने पर भी उन्हें वह सेठ नहीं मिलता। लल्लन भाई, यहाँ तो सेठ का कोई नामो निशान ही नहीं है, न जाने अब तक कहाँ निकल गया होगा। अब क्या करें, हमारे पास कल सुबह तक का ही वक्त है। अरे आर्या, वो देख, ये तो बिल्कुल किसान के कुत्ते जैसा ही लग रहा है। तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है क्या बेवकूफ? किसान का कुत्ता नीले रंग का था और ये तो भूरे रंग का है। क्या तुम्हें नीले और भूरे रंग में फर्क दिखाई नहीं देता? अरे तो क्या हुआ, अगर हम इसे नीले रंग से रंग दें तो उसके बाद ये हूबहू नीलू जैसा ही दिखेगा। बात तो तुम सही कहते हो भाई, चलो फिर देर किस बात की, अभी इसे पकड़ते हैं। फिर वे दोनों उस कुत्ते को पकड़कर अपने घर ले जाते हैं और नीले रंग का पानी घोलकर उसे उसमें डुबो डुबो कर उसका रंग भी नीला कर देते हैं। अरे भाई हरिया, ये तो बिल्कुल नीलो जैसा ही दिख रहा है। फिर अगले दिन वे उस कुत्ते को अपने साथ लेकर किसान के घर जाते हैं। अरे भाई मोहन, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, जल्दी आओ, तुम्हारा नीलू वापस आ गया है, जल्दी आओ। किसान और सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लल्लन और हरिया, तुमने गुनाह तो बहुत बड़ा किया था, लेकिन वक्त रहते तुमने अपनी गलती को सुधार लिया, इसलिए मुझे तुमसे अब कोई शिकायत नहीं है। तुम दोनों जा सकते हो। फिर वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। नीलू, तुम वापस आ गए, मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, कहाँ चले गए थे तुम? हाँ, आज के बाद मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरा नीलू इतने दिनों बाद घर आया है, इतना गंदा भी हो गया है, चलो अब हम नहाई नहाई करेंगे। फिर सुमन उसे नहलाने लगती है। अरे मेरा नीलू नहाई नहीं करेगा, इतना गंदा हो गया है। पानी उसके ऊपर पड़ते ही वह कुत्ता छटपटाने लगता है। अरे क्या हुआ नीलू, तुझे तो नहाना बहुत पसंद था, आज क्या हो गया तुझे? तभी उसका सारा नीला रंग उतरने लगता है। अरे ये क्या, इसका रंग क्यों उतर रहा है? तभी वह कुत्ता गुस्से में आकर सुमन को काट लेता है। अरे मर गई रे, हाय रे, अरे सुनो जी, इसने तो मुझे काट खाया। हाय रे अजी, सुनते हो, जल्दी आओ, मुझे लगता है ये हमारा नीलू नहीं है, देखो इसका तो सारा रंग ही उतर गया। ये तुमने ठीक नहीं किया लल्लन, अब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर किसान गुस्से में लल्लन और हरिया के घर जाता है। ए लल्लन, दरवाजा खोल। ए लल्लन, जल्दी दरवाजा खोल, नहीं तो इसे तोड़ दूंगा। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे मर गए रे, ये तो उसी किसान की आवाज है, लगता है इसे हमारी तरकीब के बारे में पता चल गया। अरे क्या हुआ भाई, इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? तुम किसी भी आवारा कुत्ते को नीला रंग चढ़ाकर हमें दे दोगे और हम मान लेंगे कि वो नीलू है? भाई हमें माफ कर दो, हमने उस सेठ को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। भाई तुम ये 100 मुद्राएं रख लो, अब इससे ज्यादा हम तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकते।
अगर तुम चाहो तो हमें जेल भिजवा दो, हम दोनों अपनी गलती की सजा काटने को तैयार हैं। किसान उदास हो जाता है और उनसे 100 मुद्राएं लेकर वापस अपने घर आ जाता है। मुझे माफ कर दो सुमन, मैं तुम्हारे नीलू को नहीं ढूंढ पाया। ये लो, ये 100 मुद्राएं हैं। नीलू को बेचने पर उन्हें इतने पैसे मिले थे जो उन्होंने मुझे दे दिए। उन्हें अपनी गलती का बहुत पछतावा है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मेरा नीलू जरूर वापस आएगा। हम एक काम करते हैं, कल सुबह इन 100 मुद्राओं का भोजन खरीदकर गरीबों में बांट देंगे। क्या पता उनकी दी हुई दुआओं से हमारा नीलू वापस आ जाए। अगले दिन सुबह होने पर वे दोनों उन पैसों से गरीबों में भोजन बांट देते हैं और वापस अपने घर की ओर चल देते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वे दोनों चौंक जाते हैं। अरे, ये तो मेरे नीलू की आवाज है। नीलू, नीलू, तुम कहाँ हो? तभी सामने से नीलू भागता हुआ उनके पास आता है। नीलू, तुम वापस आ गए। तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारे बिना कितनी उदास हो गई थी। किसी ने सच ही कहा है, दुआओं में बहुत शक्ति होती है।